नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्वाद हमेशा में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नूडल्स करी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने टॉप रेमंड्स करी लिया है। और मसाले में मैं 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक काट ली हूँ, 6 से 8 कली लहसुन को बारीक बारीक हमने अच्छी तरह से काट लिया है, थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस किया है, 3 से 4 हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक काट लिए हैं, 4 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक बारीक हमने काट लिया है, और इतना बड़ा बटर का टुकड़ा लिया है। नूडल्स बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दिया है। अब हम इसमें तेल का भी यूज करेंगे। हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसी में बटर का टुकड़ा भी डाल देंगे। लहसुन भी हम इसी समय डाल देंगे। अदरक और हरी मिर्च अब हम प्याज भी डाल देंगे। हम प्याज को 2 से 3 मिनट भूनेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे, ताकि प्याज को हम गलाएंगे नहीं। प्याज हमारा हो गया है, हमको इसको ज्यादा गलते तक के भूनना नहीं है। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर को भी हम 1 मिनट भूनेंगे, टमाटर को भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम। देखिए, टमाटर को भी हमको ज़्यादा गलाना नहीं है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं इसमें 4 नूडल्स बना रही हूँ, तो मैं 8 कप पानी का यूज़ करूँगी। ये 8 कप पानी है। अब हम पानी को अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। देखिए, अच्छी तरह से खोल गया है। अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। हम मसाला भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे।
अब हम इसको 5 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए पक चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें धनिया का पत्ती डाल देंगे और इसमें नमक मत डालिएगा, इसमें नमक पहले से डाला रहता है मसाले में, इसलिए आप अलग से नमक मत डालिएगा क्योंकि इसके मसाले में नमक पहले से रहता है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा नूडल्स बनके तैयार है। देखिए अगर आपको मेरा नूडल्स बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।